ये है दिन में इसका इंटीरियर, ये हमारी बड़ी वाली धन्नो। मार लग रहा हूँ, आई थिंक दिस इज अ गुड एंगल। बड़े दिनों बाद यार आई हैव सेट दिस अप। सो यार दो चार चीजें मैं आपको BMW की पहले बता देता हूँ कि एक तो सुबह सुबह ना BMW का किसी भी डीजल गाड़ी की, एक तो सुबह सुबह ना प्लीज अपनी गाड़ी गर्म करा करो। अ लॉट ऑफ पीपल ड्राइव देयर डीजल कार जस्ट लाइक दिस, परवाह नहीं मारते हो, वो कहते कोई बात नहीं। कोई लोग मुझे कहते हैं कि यार, मैंने कहा यार अनलेस अंटिल योर टेम्परेचर नीडल स्टार्ट्स राइजिंग एट लीस्ट टू अ सर्टेन लेवल, उसके बाद जाके चलाओ और बहुत धीरे धीरे चलाओ, लेट द कार कम अप टू इट्स आइडियल 90 डिग्री टेम्परेचर ऑन इट्स ओन। बट देन कोई लोग कहते हैं यार वो तो रेस देके बढ़ जाता है ना टेम्परेचर, वो तो रेस देके बढ़ाना नहीं होता। ऐसा नहीं है, प्लीज आप एक ठंडी कार को अचानक गर्म करने के बजाय लेट इट वार्म अप ऑन इट्स ओन, जस्ट लाइक एनी ब्यूटीफुल वुमन। You cannot just turn it on instantly. You'll have to take your own time. But the point is कि please वो बहुत जरूरी है। आप long term अगर अपनी कार को रखना चाहते हो, नहीं तो मतलब चाहे long term short term anyhow आपको अपनी गाड़ी का ख्याल रखना चाहिए, because जितना ख्याल आप कार का रखोगे कार आपको वापस रखेगी। So sedans में बहुत comfortable seating होती है, उसका नुकसान ही होता है कि आपका पेट बाहर आ जाता है, because you बड़े लेटे हुए बैठते हो तो थोड़ा सीधे बैठोगे तो पेट थोड़ा अंदर रहेगा, तो मुझे भी लग रहा है कि मैं थोड़ा बिछा बिछा सा मोटा मोटा लग रहा हूँ, बट दैट्स ओके। एंड अनदर थिंग इज कि नाउ आई एम गोइंग टू गेट द फ्यूलिंग डन, बिकॉज फ्यूलिंग इज द रॉन्ग वर्ड, मे बी रीफ्यूलिंग डन, सो दैट दिल्ली के लिए आराम से डीजल हो। बट द पॉइंट इज कि उसमें क्या बताने वाला हूँ कि ऑलवेज यूज प्रीमियम डीजल्स। आप अगर 4-5 रुपये एक्स्ट्रा लगा के आपको एक बेटर डीजल मिल रहा है तो उसमें नुकसान क्या है? और आप सोचो कि सरकार ने 4-5 रुपये महंगा करा है। देखो अगर आप लग्जरी गाड़ी में आ रहे हो या कोई भी कार चला रहे हो फॉर दैट मैटर, आई बिलीव यूजिंग अ बेटर फ्यूल इज जस्ट लाइक गिविंग बेटर डाइट। टू द पॉइंट कि मेरे पापा ने मेरे को हेल्थ का ख्याल रखने के लिए एग्जांपल दिया कि साले तू तेल गाड़ी में महंगा डलवाता है, इंजन ऑयल और पेट्रोल, अपने खाने को भी ध्यान दे और अपना खाना भी अच्छा कर। सो फॉर पीपल जो अपना ख्याल रखते और गाड़ी को नहीं रखते, उनके लिए उल्टा है कि अगर आप अपना ख्याल अच्छे से रखते हो, गाड़ी के अंदर भी जो जो जा रहा है प्लीज उसको अच्छे से डालो, आपका स्लज नहीं बनता, गाड़ी के इंजेक्टर्स क्लीन रहते हैं, गाड़ी की रिफाइनमेंट ओवर 4-5 नेविगेशन वाली आंटी बहुत बोलती है, बंद कर दी अब, चलो हो गई बंद, नहीं हुई हो गई। सो पॉइंट इज कि अच्छा तेल डालो, बहुत ज्यादा रिफाइनमेंट आपको अपना पता लग जाएगी 4-5 हज़ार किलोमीटर के बाद, एंड देन उसके बाद यू विल फील कि गाड़ी में जो काफी सारे इश्यूज जो आने वाले टाइम में हो सकते हैं स्लज वगैरह कारण, वो नहीं बनते। एंड थर्ड थिंग फॉर BMW स्पेशली 5 सीरीज, आई थिंक 3 सीरीज ऑल्सो, एक तो यार जो 3 लीटर वाला है 6 सिलेंडर इनलाइन 6, दिस इज एक्चुअली अ रिफाइंड BMW डीजल इंजन। तो जो 2 लीटर है द 4 सिलेंडर BMW जो काफी देर से आ रहा है इनके काफी गाड़ियों में, X1 में भी डाला, सब में डाला, उसके नो डाउट बेटर इटरेशन आ रहे हैं, बट आई एम टेलिंग यू दैट इज नॉट रिफाइंड। उसमें ना कट 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 की साउंड आती है, कट 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 थोड़ा ज्यादा शार्प लग रहा है, बट अ लॉट ऑफ पीपल जो पहली बार वो डीजल इंजन सुनते हैं तो उनको लगता है व्हाई इज इट मेकिंग सो मच नॉइस, व्हाई इज इट रैटलिंग, बट वो कॉमन नॉइस है, वो पता नहीं क्या है, उसको हटा नहीं पा रहे, पता नहीं किस चीज की नॉइस है, वो ऑडी में नहीं आती, मर्क में नहीं आती, किसी और डीजल इंजन में नहीं आती, मतलब छोटे वाले में फिर आती है, बट द पॉइंट इज कि BMW के 2 लीटर इंजन में वो कट 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 बहुत आती है, बट इनलाइन 6 में दूर दूर तक वो नहीं है, इट्स वेरी रिफाइंड, नॉट नॉइजी एट ऑल। आप 520D में देखो तो नॉइज आएगी, 530D इवन दो इट्स अ बिगर इंजन नहीं है, दैट्स बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन हाउ इट्स डन। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत सारी 5 सीरीज 3 सीरीज में मैं अब तक डील कर चुका हूं, और अब प्लीज ख्याल रखना कोई भी गाड़ी 60-70-80 हज़ार के आसपास चली अगर आपको 5 सीरीज मिलती है तो उसका EGR जरूर क्लीन कराओ। तो वन ऑफ द आई थिंक दैट द ओनली कार जिसमें एक लॉन्ग टर्म इश्यू आया है हमारे कस्टमर को, उसकी गाड़ी का EGR का, और हाँ इसलिए 5 सीरीज के EGR के रिकॉल भी आए हुए हैं। तो कोई भी 5 सीरीज आप लेते हो उनके सबके EGR के रिकॉल कंपनी ने बोले हुए, EGR और एयरबैग का एक रिकॉल है, तो आप ये चेक करो कि यार कि वो गाड़ी में रिकॉल ऑलमोस्ट ऑलरेडी हुआ है या होने वाला है। आई थिंक 520D 525D 530D सब में ही है वो, 525 कोई भी, मतलब 525 दो है एक्चुअली, एक 2 लीटर वाली एक 3 लीटर वाली, सब में ही वो EGR का रिकॉल है। तो EGR का रिकॉल आज हो रहा है नहीं हो रहा, आप महीने बाद करा रहे हो 2 महीने बाद करा रहे हो, दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट प्लीज द मोमेंट यू गेट इट आप जनरल सर्विस के साथ उसकी EGR क्लीनिंग जरूर करवाओ। एंड देन जो नॉर्मल एक 520D 530D की फीलिंग का डिफरेंस बता रहा हूँ, अभी जैसे मैं शहर में प्यार प्यार से चला रहा हूँ, आई एम टेकिंग माई कार टू पेट्रोल पंप, बट द पॉइंट इज कि नॉर्मल 520D में जब आप प्यार से रेस देते हो, धीरे धीरे चलाते हो, नॉर्मल रेव करते हो, तो उसमें आपको ये नहीं लगता यार कि आपके पैर के नीचे एक पावरफुल इंजन है, अनलेस अंटिल यू डोंट प्रेस इट वेरी हार्ड द कार विल नॉट टेक अ जम्प, द कार विल नॉट टेक अ लीप, द कार विल नॉट मूव अहेड। ये 520D की प्रॉब्लम है, 320D में ऐसा नहीं है, उसका लाइटर वेट उसको कवर अप कर लेता है। नो डाउट द पॉइंट इज कि 2 लीटर BMW के इंजन अनलेस अंटिल यू डोंट रेव देम वेरी हार्ड, मतलब आपको कम से कम 30-40% पेडल डाउन प्रेस नहीं करते, वो इमीडिएटली उठेगा ही नहीं।
अनलाइक दिस 530D अभी आपको पता चला बट आई लिटरली पिक इट अप तो मैं भी GoPro लगाता हूं थोड़ी देर बाद बट द पॉइंट इज इन दिस 6L1 दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम इट्स अ वेरी लीनियर टॉर्क कर्व द मोर यू प्रेस इट द मोर इट विल कम एंड यू विल फील कि बहुत जल्दी पिकअप ले लेती है और बहुत देर तक वो टॉर्क कर्व रहता है दैट्स द ब्यूटी ऑफ एनी बिगर इंजन स्पेशली एन इनलाइन 6 और 6L और V6 बट 520D में सिर्फ बाद वाले में जाके आपको पावर मिलेगी अरे यार बननी हुई भी यार ये आंटी मुझे ना पसंद नहीं है अभी भी नहीं हो रही दीज आर स्मॉल थिंग्स दैट यू हैव टू गेट यूज्ड टू बिकॉज इट्स अ फुली लोडेड कंप्यूटर सो BMW के आई ड्राइव ऑडी के MMI मर्सिडीज के MBUX ये पूरे एक कंप्यूटराइज और अंदर उन्होंने पूरा कंट्रोल दिया होता है सो आपको जैसे आप नया फोन लेते हैं एंड्रॉइड iOS जो पहली बार लिया था तो कैसे सेटिंग सुटिंग हम सारी देखते हैं सो जस्ट लाइक दैट आपको पूरा टाइम लगाना पड़ता है उसको सेट करने में एक सेकंड डन सो यार ये चीजों का ख्याल रखना बड़ा जरूरी है एंड देन एक अनदर चीज मैं पहले ना मेन चीजें कवर कर रहा हूँ ताकि जब ड्राइव कर रहा हूं तो ड्राइव का मजा आए कि अनदर थिंग इज कि फॉर सम रीजन 2009-10 की गाड़ियों तक उनको रियलाइज नहीं हुआ कि लोग बॉटल यूज करते हैं भैया एक्स्ट्रा ग्रीन एक्स्ट्रा ग्रीन घुमा के ले उधर से घुमा के ले आता हूँ देखिए BMW पता नहीं क्यों लेफ्ट शीशा नीचे हो जाता है ऑडी में नहीं होता ऑडी के अलग शीशे की प्रॉब्लम है सो जब आप BMW रिवर्स करते हो लेफ्ट शीशा नीचे हो जाता है आपको और ध्यान से दिखाने के लिए कि नीचे कहीं से कर्व ना हिट कर दो आप भाई इंडिया में हर जगह कुछ भी हो सकता है इंडिया में कर्व की सर प्रॉब्लम नहीं है तो आपको बाद में दोबारा शीशा ऊपर करना पड़ता है बिकॉज अगर ध्यान से रिवर्स ना करो नो डाउट इट्स अ फुली बहुत बड़ी स्क्रीन का बहुत अच्छा कैमरा है और फ्रंट बैक सेंसर्स होते हैं बट इवन देन फॉर दैट एक्स्ट्रा केयर यू नीड टू गेट द ग्लास बैकअप तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको गाड़ियों में यूज होना पड़ता है ऑडी की एक अलग प्रॉब्लम है ऑडी का राइट ग्लास जो ओरिजिनल आता है पीछे से सो अ लॉट ऑफ पीपल तो सिंस आई एम एन ऑडी फैन तो मैं बहुत बार जब ऑडी लेता हूँ तो राइट ग्लास ओरिजिनल वाला हटवा के जाली कॉपी वाला लगवाता हूँ क्योंकि जो ओरिजिनल ग्लास आता है वो कॉनकेव नहीं होता उसका विजन कम है उसका विजन उतना वाइड नहीं होता एंड आई डोंट नो व्हाई दे थिंक दैट दैट इज इंपॉर्टेंट 4000 का एंड आई डोंट नो व्हाई दे थिंक दैट दैट इज इंपॉर्टेंट सो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम बट उसमें ऐसे रिवर्स करने पे लेफ्ट नहीं होता शीशा मतलब नीचे नहीं जाता सो दैट इज वन गुड थिंग बट उसका राइट शीशा में आपको ज्यादा दिखता नहीं है दैट इज अनदर बैड थिंग एंड फॉर सम रीजन 2009-10 तक कंपनीज को ये नहीं रियलाइज हुआ कि लोग जब ट्रैवल करते हैं वो कॉफी मैकडोनल्ड से कॉफी या स्टारबक्स से कॉफी लेने की बजाय वो पानी ज्यादा पीते हैं और स्पेशली इंडिया में मिल्टन की जो फ्रिज बॉटल्स होती हैं पेट बॉटल्स होती हैं वो ज्यादा चलती हैं वो तो मम्मी जो हमें पेट बॉटल देती है वो इस BMW में नहीं आती डीजल डरने लग गया सो आपको ये भी मुश्किल से फंसानी पड़ती है सो 5 सीरीज में एक प्रॉब्लम है कि क्योंकि F10 2010 में आ गई थी उसकी पिछली में भी नहीं पिछली तो किसी मेरी अब पुरानी ऑडी में जगह नहीं है नई A6 में उन्होंने सब कुछ हर जगह बॉटल्स के लिए जगह बना दी थी सारी गाड़ियों में आती है उसके बाद SUVs में सारी जगह गाड़ियों में आती है फॉर सम रीजन 5 सीरीज को बहुत टाइम लगा समझने में इनकी कहीं पर भी आपको बॉटल रखने की जगह नहीं मिलेगी सो पानी रखने की जगह इसमें नहीं है आपको कप होल्डर्स मिलेंगे इनको कप होल्डर्स की ज्यादा वैल्यू थी तभी उन्होंने पुराने BMW के अंदर से कप होल्डर्स बाहर आते थे बट द पॉइंट इज की कॉफी से ज्यादा यार वी नीड वाटर तो ये भी एक बिस्लरी की बॉटल पतली वाली मैंने फंसाई है इन द डोर हैंडल तो इसमें क्या है कि जो साइड पे डोर हैंडल नहीं डोर पॉकेट्स तो साइड में डोर पॉकेट्स बहुत पतली पतली सी हैं तो मैं अभी दोबारा फोन उतार के दिखाना पड़ेगा बाद में दिखाता हूँ तो पतली पतली सी उसमें मुश्किल से आप टेडी करके फंसा सकते हो बट अदर देन दैट आपको बॉटल रखने में बहुत प्रॉब्लम आती है तो इस बात के लिए प्रिपेयर रहना एंड कुछ लोग सीट्स के लिए आफ्टर मार्केट सामान आता है जिसमें पीछे बहुत सारे बॉटल होता है तो मैं पुरानी A6 में वो यूज करता हूँ एंड दैट इज हाउ आई डू इट सो गेटिंग द फ्यूल डन गेटिंग द एयर डन उसके बाद वी आर रेडी फॉर दैट 300 किलोमीटर ट्रिप तो अब GoPro के साथ बनाएंगे बड़े दिनों बाद आई एम इन दिस व्यू एंड आई एम सो हैप्पी दैट फ्रॉम XUV300 जो 1 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गई जीप कंपास इको स्पोर्ट एंड लॉट ऑफ अदर कार्स वी आर फाइनली गेटिंग टू ड्राइव द कार्स मेंट टू बी ड्रिवन हार्ड एंड दिस इज द 530 एम स्पोर्ट एंड आई एम सो हैप्पी कि टाइम्स चेंज थिंग्स चेंज एंड सबसे बड़ी बात पता क्या है जब मैं इको स्पोर्ट वगैरह वाली गाड़ियाँ चलाता था ना इको स्पोर्ट ब्रेजा में कंपैरिजन करता होता था तो लोग कहते थे यार आप ऑडी में करो BMW में करो मर्सिडीज में करो और मैं तब उनको कहता होता था कि जब तक लाइफ में वो स्टेज नहीं आती कि मैं तीनों में डिफरेंस नहीं बता पाऊंगा तब तक आई डोंट थिंक देयर इज एनी पॉइंट बिकॉज जब तक मैं उन गाड़ियों में जी नहीं रहा हूँ रेगुलरली उनको एंजॉय नहीं कर रहा हूँ तब तक मैं ये कन्फर्म नहीं कर पाऊंगा कि एक्चुअली किस में क्या डिफरेंस है एंड आई थिंक 5 ईयर्स लेटर आई थिंक आई एम प्रिटी
आई हैव अ गुड प्रीटी गुड एक्सपीरियंस इन डिस्क्राइबिंग कि हर गाड़ी में क्या क्या फर्क है और एक्चुअली किस कौन सी चीज़ किसके लिए बनी क्या है. बिकॉज अगर तब के टाइम मैं किसी भी लग्जरी कार में बैठता मैं सबके साथ ही ओवरवेलम होता, मुझे सारी ही बहुत अच्छी लगती एंड आई एम हैप्पी दैट वी हैव कम अक्रॉस दैट पॉइंट. सो फाइनली वी आर इन दिस 530 एम स्पोर्ट. तो इंटीरियर्स की बातें काफ़ी कर ली, सब कुछ बता दिया, और भी दो चार चीज़ें ध्यान रखने वाली थी बता दी. एंड अब आते हैं इमीडिएटली ड्राइविंग वाली बातों पर. आपको ड्राइविंग फील कैसी आती है, गाड़ी की के अंदर क्या स्पेशलिटी है, BMW, Mercedes, Audi's में क्या डिफरेंस है, तो वो उस पर डिस्कस करते हैं. एंड एक्चुअली अब तक 2 लीटर इंजन की बात करी है मैंने, ज़्यादातर 2 लीटर इंजन ही चलाए हैं. तो 3 सीरीज में वो है, X1 में वो है, 5 सीरीज में 530 चलाया है बट वीडियो नहीं बनाई. तो फाइनली वी हैव द राइट डीजल स्पेसिमेन ऑफ दिस कार ऑफ दिस ब्रांड, बिकॉज 2 लीटर इंजन इसके अच्छे नहीं है. दे आर लाइक R15 का इंजन जो छोटी कैपेसिटी में ज़्यादा पावर निकालने के लिए बहुत हाईली एफिशियंट ट्यून्ड है, तो उनको बहुत रेव करना पड़ता है और वो बहुत शोर करते हैं एंड हायर इन द रेव बैंड ही आपको पावर देते हैं. और हाई स्पीड ड्राइविंग के लिए या हाई स्पीड जब आप खाली रोड पे उसको पेडल टू द मेटल हो तब जाके उनका एक्चुअल मजा आता है. बट आई थिंक मेन मजा होता है बड़े इंजन का, जो आप प्यार से भी रेस दो जैसे मर्जी दो पूरे टाइम आपके पास पावर ही पावर है होल थ्रू द रेव बैंड. एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल से यार कि BMW, Audi, Mercedes जब आप ऑन पेपर कंपेयर करते हो तो आप देखना यार कि उनके पावर फिगर्स से आप उनको कंपेयर करते हो. बट मैं आपको कह रहा हूँ कि जमीन आसमान का फर्क होता है गाड़ी के चलने के स्टाइल में, गाड़ी की फीलिंग में और गाड़ी की पावर डिलीवरी में, तो वो बहुत मैटर करता है. वही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले जब आप एक BM चलाते हो आपको उसका स्टेयरिंग हैवी लगता है, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है ध्यान रखना है. अभी ज्यादा अभी मैं प्यार प्यार से गाड़ी चलाऊंगा बिकॉज 20-30% ऑफ द माइंड अटेंशन गोज टू मेकिंग द कॉन्टेंट एज वेल, मेकिंग दिस वीडियो एज वेल. सामने हेड्स अप डिस्प्ले आ रहा हूँ आपको दिख रही है ना दिख रही है. सो थिंग इज कि सबसे पहली चीज़ यार कि BMW में आपको स्टेयरिंग हैवी देते हैं वो लोग, और ये चीज़ उनके लिए बहुत अच्छी है बट अ लॉट ऑफ पीपल के लिए वो थोड़ी सी बुरी भी हो जाती है. बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स हम जब गाड़ी शहर में चलाते हैं या डेली यूज के लिए चलाते हैं तो आपको वो आदत होती है फिंगर लाइट स्टेयरिंग की, इधर घुमाया उधर घुमाया, यहाँ गाड़ी पार्क करी उतर के काम करा फिर वापस आए फिर गाड़ी इधर लेकर गए फिर आए फिर यार कोई काम हो. जिनकी ट्रैवलिंग की जॉब काफी है, सिटी में काफी ट्रैवल करते हैं, उनको BMW नहीं पसंद आएगी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस. बिकॉज BMW का जो एक स्टेटमेंट आया कि शेयर ड्राइविंग प्लेजर, अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट गेट सो इन ऑफ देम कि नहीं यार कि हम ड्राइविंग लाइक करते हैं तो हमारे लिए BMW बनी है. तो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ प्यार से कि एक्चुअली क्या क्या डिफरेंसेस हैं और उनका BMW शेयर ड्राइविंग प्लेजर का मतलब क्या है. सो पहला मतलब तो यह है कि वो गाड़ी स्टिफ है, तो वो गाड़ी की सस्पेंशन स्टिफ होगी, आपको खड्डे ज्यादा फील होंगे और वो हाई स्पीड पे आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस देगी. शेयर ड्राइविंग प्लेजर का पहला मतलब ये है. सेकंड मतलब ये है कि वो आपका स्टेयरिंग हैवी कर देते हैं. थर्ड मतलब मेन है वो उस पे आता हूँ मैं आराम से. सेकंड ये है कि आपका स्टेयरिंग हैवी कर देते हैं. तो स्टेयरिंग हैवी करने के लिए आप मतलब इट्स लाइक जो प्रॉपर ड्राइविंग है वो ऐसे होती है, योर टू हैंड्स स्पोक्स के बिल्कुल साथ. अभी टेस्ला ने ऊपर और नीचे वाला स्टेयरिंग जुड़ा दिया बिकॉज उनको लगा कि वो जरूरत नहीं है. जो एक प्रॉपर ड्राइविंग एज एन एक्सपीरियंस जब आप करते हो कि आपका 100% ध्यान ड्राइविंग में है तो आपको गाड़ी ऐसे पकड़नी है, आप हाईवे पे चला रहे हैं एंड यू आर एक्चुअली एंजॉइंग द ड्राइव, दैट इज वॉट इट मीन्स. बट हम गाड़ी को 90% टाइम अलग तरह से यूज करते हैं, तो उसके जब ऐसे 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 घुमानी है या फास्ट फास्ट इधर उधर घुमानी है तो उसमें आपको BMW थोड़ी अनकंफर्टेबल लगती है और उसकी स्टिफ सस्पेंशन थोड़ी अनकंफर्टेबल लगती है. अब तभी मैं को ऑडी थोड़ी ज्यादा लाइक करता हूँ बिकॉज मेरी ड्राइविंग बहुत ज्यादा है. बट आई ऑलवेज लव ड्राइविंग अ BMW ऑन एन ओपन रोड, बट इट्स अ प्योर एक्सपीरियंस. सो अगर आपका BMW आपका मन करेगा कि मैं अलग से घर से उतरूं और गाड़ी लेकर जाऊं और आज मैं BMW को एंजॉय करूं. ऑडी में क्या है कि आपको सब्जी लेनी भी जानी आप ले जाओगे और कुछ भी करना है आप जल्दी से गाड़ी उठा के चले जाओगे उसको लेने. तो दिस इज द प्योर डिफरेंस दैट यू नीड मोर अटेंशन एंड इट रिक्वायर्स अ लिटिल मोर एफर्ट बट इट्स अ प्योर ड्राइविंग एक्सपीरियंस. दिस इज हार्ड कोर ड्राइविंग एक्सपीरियंस. और BMW इसको मैं ज्यादा अच्छा कब समझ पाया, कमिंग टू द थर्ड मेन रीजन जिसके लिए BMW फेमस है, जो फीलिंग BMW में ही आती है और कहीं नहीं आती है, एंड दैट इज हाउ इट्स बिल्ट. दैट इज द 50-50 वेट डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज इन द चेसिस इटसेल्फ, और दैट इज व्हाट BMW स्टैंड्स फॉर. और मैं BMW को ज्यादा अच्छा, ये पहले दो पॉइंट मुझे बहुत पहले पता लग गए थे जब मैं BMW ऑडी को कंपेयर करता था, बट जो थर्ड पॉइंट है जो सबसे मेन है जिससे मेरी रिस्पेक्ट BMW की और बढ़ गई वो तब आया जब मैं LGB 1300 एक इंडियन रेसिंग होती है JK टायर्स की मोटर स्पोर्ट्स में, उसमें LGB 1300 एक इंडियन रेस कार उन्होंने बनाई हुई है जिसमें 100 BHP है एंड एवरीथिंग व्हाटएवर, मतलब दैट्स अ रेस कार दैट इज इंडियन ब्रेड. एंड आई वेंट देयर, वेंट ऑन द ट्रैक, आई वेंट टू करी मोटर स्पीडवे, आई टुक अ 2-day ट्रेनिंग सेशन एंड देन फाइनली वी क्लॉक्ड इन सम लैप टाइम्स एंड पुश दोज कार्स पेडल टू द मेटल. तो उसके बाद जब मैंने BMW चलाई तो मुझे रियलाइज हुआ कि सारी दुनिया की रोड कार्स कंफर्ट के हिसाब से बनी है
बट अगर आप कभी ट्रैक पर गए हो और जो ट्रैक वाली गाड़ी होती है, जो रेस कार होती है, उनका गोल होता है आपको सब कुछ एक्सपीरियंस कराना, बिकॉज दैट इज ऑल्सो प्योर ड्राइविंग एक्सपीरियंस. यू नो, यू आप उसमें सब्जी लेने नहीं जा रहे हो, आप उसमें कोई काम करने नहीं जा रहे हो, आप उसमें ऑफिस में जा रहे हो, आप उसमें फोन नहीं चला रहे हो साथ साथ, तो उस गाड़ी में आपको सब कुछ फील होता है. आपको पूरी सड़क फील होती है, आपको गाड़ी की चेसी स्टार्टिंग से लेके एंड तक फील होती है. यू बिकम सो वन विद द कार एंड एवरीथिंग यू डू, एवरी शिफ्ट ऑन द स्टेयरिंग, एवरी गियर शिफ्ट नहीं इसमें फील होता, एवरी मतलब कुछ भी, मतलब दैट्स व्हाट दे मीन बाय प्योर ड्राइविंग एक्सपीरियंस. तो आपको सब कुछ फील होता है. तो BMWs भी जब बनती हैं तो वो पहले मुझे लगता है एक ट्रैक कार बनाते हैं, उसके अंदर फिर लग्जरी कंफर्ट डाल देते हैं, बट अंडरलाइन दिस होल कार देयर इज अ ट्रैक कार. तो आप 3 सीरीज को भी वैसे एक्सपीरियंस कर पाओगे, 5 सीरीज में भी वो है, ऑब्वियसली उनकी लग्जरी लेवल बढ़ता जा रहा है, 7 सीरीज में भी लग्जरी लेवल और ज्यादा और कंफर्ट और ज्यादा है, बट अंडरलाइंग द होल थिंग कोई भी BMW आउट डालो, X1 में भी वो फीलिंग है, X3 में भी फीलिंग है, मतलब किसी भी BMW में वो फीलिंग है, एंड दैट इज वॉट पीपल लव. तो एक बार आपको उस फीलिंग से प्यार हो जाए, फिर आपको लगता है कि नहीं, गाड़ी तो यही होती है. मेरे को अब तक नहीं हुई वो, नो डाउट, वो अलग बात है कि गाड़ी तो यही होती है, एंड दैट इज वॉट दे वॉन्ट टू फील. तभी वो सारी रियर व्हील ड्राइव है, जो फ्रंट व्हील ड्राइव है भी, उनके अंदर भी उन्होंने फीलिंग जरूर डाली है कि आपको हर स्टेयरिंग के शिफ्ट पे आपको पूरी कार की बॉडी इधर उधर होती फील होती है. आपको पूरी कार, मतलब आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इट्स वन सीमलेस एक्सपीरियंस, एंड यू फील एवरी नट बोल्ट ऑफ द कार, यू फील एवरी चैसी जॉइंट ऑफ द कार, एंड इन द स्टार्टिंग इट मे लुक लाइक जारिंग टू यू, बट इवेंचुअली यू जस्ट फॉल इन लव विद इट. सो दैट्स वॉट BMW इज, और ये आपको चला के पता लगेगा, एंड लंबी देर तक चला के पता लगेगा. सो इट टेक्स अ टाइम टू एक्चुअली फील. 90% BMW रियर व्हील ड्राइव है, सो आई विल टॉक देम अबाउट प्राइमरली रियर व्हील ड्राइव. सो रियर व्हील ड्राइव गाड़ी के जब आप लेन चेंज करते हो, रियर व्हील ड्राइव गाड़ी का जब आप कोई भी तरह का कॉर्नर करते हो, कुछ भी करते हो, सो तो फीडबैक आता है, वो पीछे से आता है, एंड दैट्स एन अनदर एक्सपीरियंस. तो वो एंड देन अनदर थिंग इज कि जब हम कहते हैं कि इनका स्टेयरिंग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फीडबैक है, तो मैं बता रहा हूँ कि उसका मतलब प्रिसीजन नहीं होता. प्रिसीजन होता है कि आपका स्टेयरिंग जितना जितना जैसे मुड़ रहे हो बिल्कुल एग्जैक्टली आ गया कि टायर मुड़ रहा है, और आपको वो डायरेक्शन चेंज करना बड़ा आसान है. बट BMW में आपके स्टेयरिंग में फीडबैक ज्यादा, तो आपको झटके और नीचे की क्या फीलिंग है, रोड फीलिंग क्या है, वो ज्यादा अच्छी कम्युनिकेट होती है. तो दोनों में फर्क है, लोगों को पता नहीं लगता. तो ऑडीज का बहुत लाइट है, पोर्श का भी लाइट है, पोर्शेज व्हाटएवर उनका भी लाइट है. तो आपको पता, पोर्श ने एक सोशल मीडिया पे रील बनाई है टू टेल पीपल कि एक्चुअली पोर्श को प्रोनाउंस कैसे करते हैं. सो रियल वे हाउ पोर्श इज प्रोनाउंस्ड इज पोसा. सो व्हेन वी केम टू नो कि पोर्श को ऐसे प्रोनाउंस करना है लाइक पोसा, आए तो कमेंटेड की ब्रदर हम जैसे बुला रहे हैं हमें वैसे बुलाना, तो ऐसे नहीं हमने बुलाना. सो जिसका जो मना था, कोई पोर्च बुलाता, कोई पोर्च बुलाता, कोई पोर्शा बुलाता, कोई पोर्शे बुलाता, पोसा तो मैंने कोई भी नहीं सुना, बट दे वांट यू टू कॉल इट लाइक दैट, व्हाटएवर. सो थिंग इज कि उनका स्टीयरिंग भी बहुत लाइट है. तो इनका स्टीयरिंग हैवी है बट फीडबैक बहुत ज्यादा है, प्रिसीजन उतनी नहीं है. तो अगर आप, तभी कह रहा हूं, शहर में जो ऐसे होंडा वाली फीलिंग आती है ना कि अभी इधर मुड़ गई इधर मुड़ गई, वो BMW में नहीं आएगी. बट जब आप हाईवे पे जाओगे तो आपको लगेगा कि आपका स्टीयरिंग सिर्फ फ्रंट से नहीं, पूरी गाड़ी से कनेक्टेड है. इवन दो स्टेयरिंग तो फ्रंट टायर ही मोड़ता है, बट द पॉइंट इज जब बनी ऐसी है कि आपका पूरी गाड़ी का फीडबैक इससे आता है. आपको यही लगता है कि जब आपने थोड़ी लेफ्ट करी तो पूरी कार पीछे से लेके आगे तक ने उन्होंने अपना स्टेयरिंग मुड़ गया या उनकी डायरेक्शन चेंज हो गई. सो दैट्स अ वेरी स्पेशल डिफरेंट फीलिंग विद द BMWs. और वो आप तभी एंजॉय करते हो जब आप एक्चुअली कार रैश चला रहे हो. एंड अनदर थिंग इज कि वो आप तब एंजॉय करते हो जब आपको वो फीलिंग को कंट्रोल करना आ जाए, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल को समझ नहीं आती है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट इमीडिएटली BMW में बैठ के उसको रैश लाने की कोशिश करते हैं और उनके एक्सीडेंट हो जाते हैं. सो आई एम टेलिंग यू कि डोंट अंडर एस्टिमेट अ BMW. इट्स अ मोर मैच्योर्ड व्हीकल इफ यू हैव ग्रेट ड्राइविंग एक्सपीरियंस एंड इफ यू नो वॉट इज फीडबैक, वॉट इज फील ऑफ द कार एंड एवरीथिंग. तो तब आप BMW रिस्पेक्ट ज्यादा कर पाओगे. और जितने लोगों का BMW है, जितने लोग लेते हैं, आई एम टेलिंग यू कि जो आपके दोस्त होता है ना, जिनको गाड़ी दबा के उसको होता है मैं पावर फील करूं यार, आज मैं भी लग्जरी गाड़ी में देखूं क्या है, अच्छा तू खरीद के लाया, ऐसे लोग सबके पास होते हैं. बिकॉज इन इंडिया देयर इज अ ट्रांजिशन फेज हैपनिंग. मैं भी एक टाइम पे ऐसा था, अब मैं दूसरा साइड पे आ गया हूं. बट द पॉइंट इज कि आप अपनी BMW ऐसे लोगों को मत दो, या अगर दो तो जस्ट उनको हाथ डंडा दो कि भाई तूने भगानी नहीं है, प्यार से चलानी चला ले. तू चाहे गाली निकाल दे कि गाड़ी फुद्दू है, गाड़ी नहीं अच्छी, तेरे को कोई मजा नहीं आ रहा, बट तू आराम से चलानी चला ले. बट किसी भी बंदे को अपनी BMW ऐसे इमीडिएटली रास्ता चलाने को मत दो, बिकॉज दे टेक टाइम टू गेट यूज टू एक्चुअली गेट अ कंप्लीट कंट्रोल विद. तो ये सबसे बड़ी बात है. एंड 530D की भी ऐसी ही स्टोरी है. एंड द रीजन विद 520D इज की, और 320D में, क्योंकि उनमें उतनी पावर नहीं है, दे आर स्टिल कंट्रोलेबल. 530D इज बैलिस्टिक टू ड्राइव वंस यू आर एबल टू कंट्रोल इट. सो और इसका एक अदर प्रॉब्लम क्या है कि मैं क्यों कहता हूँ एक्सीडेंट होने इतना आसान है, बिकॉज वेन वी टॉक अबाउट रियर व्हील ड्राइव, सो ऑन दैट ट्रैक एज वेल,
तो हुआ क्या, मैं आपको थोड़ा सा साथ में बीच में एनेक्डोट सुनाता हूँ। तो व्हेन वी वेंट ऑन द ट्रैक, सो आई वाज वेरी एक्साइटेड, उन्होंने 1.5 लाख रुपए लिया, 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन था, तो उन्होंने उसमें ट्रेनिंग वगैरह करवानी थी। उसमें जब हमें पता लगा कि उन्होंने हमसे एक एफिडेविट साइन करवाया कि ये गाड़ी आई थिंक 10-11 लाख रुपए लगता है वो कार बनाने को, बिकॉज इट्स हैंड बिल्ट, मतलब सॉरी कस्टम बिल्ट इन अ वे, तो महंगी है। तो कुछ भी अगर आपकी टक्कर हुई, चाहे टायरों में जाके बच गए, तो वहाँ पर टायर पड़े होते प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको कुछ भी हुआ अगर गाड़ी को तो आपका नुकसान है। एंड आई जस्ट मैंने देखा कि और क्रैशेज वहाँ पर सबसे कॉमन है। तो एक अगर, और अगर कभी भी आप ट्रैक पर जा रहे हो, प्लीज मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी गाड़ी बहुत इजीली क्रैश कर सकती है। बच्चों आपको लगता है कि मैं बहुत तगड़ा ड्राइवर हूँ जी, मैं तो बहुत रैश लेता हूँ, मैं तो अपनी, मेरे को छपड़ी ऑफ द स्टेट का अवार्ड मिला हुआ है, छपड़ी ऑफ द गली का अवार्ड मिला हुआ है। सो आई एम टेलिंग यू प्लीज 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 टेक दीज ट्रैक्स वेरी सीरियसली, टेक योर कार वेरी सीरियसली। अगर आप किसी और की गाड़ी चला रहे हो तो वो आपको मेक श्योर करेंगे कि ड्राइवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेजेस, वो लीगल एग्रीमेंट कर लेते हैं। अपनी लेके जा रहे हो तो अपनी आपकी ठुकेगी ठुकेगी, मतलब ठुकने के चांसेस हैं। तो उन्होंने हमें क्लियर कर दिया कि भैया आप ठूके तो गए, और मैं 1.5 लाख, मैं बड़ा बेचारा पाई पाई जोड़ के खर्चने वाला बंदा, तो मैं कहा यार ये तो प्रॉब्लम होगी कि हम 1.5 लाख की मुश्किल से स्पेंड करें हैं, तो ठुक ठाक गए, मैं तो गुड न्यूज अच्छी फीलिंग के बजाय तो बुरी फीलिंग ले जाऊंगा। तो मेरा पूरा फोकस था कि मैंने क्रैश नहीं करना, और वो भी गाड़ियां रियर व्हील ड्राइव होती हैं, और उनमें भी आपका सारा ध्यान ये होता है कि मैंने कैसे क्रैश नहीं करना, एंड देन फास्ट भी चलना है, बेस्ट टाइम भी देना है, और क्या करना है। तो सारा फोकस आता है थ्रॉटल मॉड्यूलेशन पर। थ्रॉटल मॉड्यूलेशन क्या है कि आपने कितनी रेस कब देनी है, और बीएमडब्ल्यू में भी यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इवन दो इनमें ट्रैक्शन कंट्रोल है, बट अगर आप गाड़ी को टर्न करते हुए कुछ भी करते हो, गाड़ी की लेन चेंज हो रही है, कुछ हो रही है, तभी मैं कहता हूं कि जो लोग बाइक्स रैश चलाते हैं ना, वो बीएमडब्ल्यू को ज्यादा जल्दी समझ जाएंगे, बिकॉज बाइक्स में भी इन सब चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। तो आप अपना बाइकर एक्सपीरियंस को ज्यादा यूज करो एक बीएमडब्ल्यू चलाने में, बिकॉज बाइक्स भी रियर व्हील ड्राइव होते हैं, बाइक्स में भी तो GoPro में इशू आ गया था, एंड दिस इज बाद में। सो जो बाइक वाले हैं ना यार, बाइक वाले लोग इस गाड़ी को ज्यादा से समझ पाएंगे, और मैं चाहता हूँ कि जब आप गाड़ी चलाओ तो जैसे आप बाइक चलाते हो वैसे ही ध्यान आपको रखना जरूरी है कि सड़क पर क्या है, सड़क पर अभी ट्रैक्शन है नहीं है, मिट्टी है नहीं है, पानी है नहीं है, गीली है सूखी है, क्या है, बिकॉज जस्ट लाइक इन अ मोटरसाइकिल दिस कार इज वेरी 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 रियर बायस्ड, और नॉट जस्ट रियर व्हील ड्राइव, रियर बायस्ड का पॉइंट और भी है कि आपकी चैसी और सब कुछ आपको बार बार ट्राई करेगा कि पीछे से फीडबैक देने में, ताकि आपकी गाड़ी स्किड कर जाए या ड्रिफ्ट मार ले। सो दिस इज अ वेरी ड्रिफ्ट हैप्पी कार, एंड दैट इज अ बिग प्रॉब्लम, बिकॉज आप ड्रिफ्ट नहीं मारना चाहते, और चलती गाड़ी में बहुत बार गाड़ी पीछे से हिल जाती है और पीछे से फीडबैक आता है। तो जैसे हम बाइक में रेस उस हिसाब से देते हैं कि गाड़ी पीछे से स्किड ना करे, टायर गोल गोल ना घूमे, बिकॉज द मोमेंट गोल गोल घूमता है तो पीछे से ट्रैक्शन लूज करता है और गाड़ी इधर उधर होनी या बाइक इधर उधर होने का रिस्क होता है। तो ये आपको एक पावरफुल बीएमडब्ल्यू में हमेशा ख्याल रखना पड़ता है रैश लाने के लिए। तो एज लॉन्ग एज आप गाड़ी के थ्रॉटल के साथ नहीं कंफर्टेबल होते, और आप इतने आप स्किल्ड नहीं हो कि आप गाड़ी के इनर्शिया के साथ, फॉर एग्जाम्पल अभी गाड़ी सीधी जा रही है, अभी मैं जैसे मर्जी ब्रेक मारूं या पूरी रेस दे दूं तो गाड़ी के टायर्स नहीं स्किड करेंगे, बट द मोमेंट गाड़ी थोड़ी टेढ़ी है या थोड़ा हम कॉर्नर कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं, वहां पर ट्रैक्शन और ग्रिप टायर्स पे कम होती है, तो टेढ़ा जाते जाते अगर थोड़ी रेस ज्यादा दे रहे हो, जैसे चंडीगढ़ में काफी सारे गोल चौक है, तो गोल चौक पे काफी बार गाड़ी इधर 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 उधर होती रहती है, स्पेशली पहाड़ों पे भी, तो कभी आप जरूरत से ज्यादा अगर रेस देते हो तो आपकी गाड़ी का पीछे से टायर स्किड करता है। इवन दो ट्रैक्शन कंट्रोल है, बट एक बार भी जब वो ट्रैक्शन लूज करता है तो आपकी गाड़ी पीछे से डिस्टेबिलाइज हो जाती है, और वहां से आपको रिस्क है। बट वंस यू आर कंफर्टेबल विद इट, ये मैंने 3 सीरीज के बारे में बताया था, वंस यू आर कंफर्टेबल विद इट देन इट्स अमेजिंग फन, एंड दैट फीडबैक जो रिस्की है वही आपको बहुत ज्यादा मजा भी देता है। सो ये एक्सपर्ट्स और एक्सपीरियंस लोगों के भगाने के लिए ही है। अगर आप उतना एक्सपीरियंस नहीं हो या उतना रिस्क नहीं लेना चाहते तो प्लीज बाय एन ऑल व्हील ड्राइव कार, बाय X3 एक्स ड्राइव, बाय ऑडी क्वाट्रो, उनकी सेडान वाली में थोड़ा गियरबॉक्स की रिलायबिलिटी के इश्यूज हैं, वहां से कम। तो तभी द रीजन आई गॉट माय पोर्शे ट्यून्ड इज ओनली बिकॉज ऑल व्हील ड्राइव है, तो मेरे को गाड़ी को पागल करने में मजा आता है, बट आई एम वेरी, मुझे डर लगता है। तभी मैंने, जब से मेरा बेटा हुआ तब मेरे पास एक हार्ले थी, एग्जैक्टली दैट पॉइंट जब वो हुआ तो थोड़े दिनों के लिए मैं लाया था किसी से, इट वॉज परचेज्ड ऑलमोस्ट बट देन आई सेंड इट बैक, तब से मैं डरता हूँ। तो गाड़ी में भी मेरे को ऑल व्हील ड्राइव में ही पागल होने में थोड़ा सेफ फील होता है, बट देन बीएमडब्ल्यूज में दिस इज व्हाट दे आर मेंट फॉर, एंड दैट इज द फन दैट दे हैव। अब अचानक ही जैसे रेस दी, एंड देन ये जो कट मैं काट रहा हूँ ना, ये आपको वीडियो पे जो मर्जी लगेंगे, बट द एक्सपीरियंस जो पीछे से फील आ रही है, पीछे से फीडबैक आ रहा है, एंड द होल चैसी दैट आई कैन फील द लाइटनेस एंड द निम्बलनेस ऑफ द चैसी, दैट इज व्हाट बीएमडब्ल्यू इज मेड फॉर। एंड देन सिंस आई वाज क्रूजिंग सिंस अ लॉन्ग टाइम, तो अभी एक छोटा सा शॉट है, मैं इसमें डाल देता हूँ। सो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ अ बिगर इंजन, कि आपको क्रूज करते टाइम, आई नो दैट ऑफ कोर्स 530 के बारे में लोग 0-100 टाइमिंग्स की बात करते हैं, लोग कहते हैं अरे बहुत ज्यादा पावरफुल है, 0-100 और फास्ट हो जाएगा, बट यू नो व्हेन यू टॉक अबाउट बिगर इंजन दैट्स नॉट व्हाट इट इज
मोर इम्पोर्टेंट नोट, जो आपको 0 to 100 में ना आप स्क्रैच खड़ी कार से लेके उसकी फुल आरपीएम तक की एक इमीडिएट स्पीड है. बट व्हाट मैटर्स इज कि जैसे भी देखो हमारी इंडियन सड़कें खराब है तभी ना इन पे ज्यादा स्पीड से भगाने का कोई पॉइंट नहीं है. अभी आई रीच अराउंड 130-140. बट द पॉइंट इज कि उस पूरे दौरान जब आप गाड़ी चला रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चंडीगढ़ से दिल्ली ट्रेवल कर रहा हूँ, तो मैं 0 to 100 पे नहीं आऊंगा. मैं अ लॉट ऑफ टाइम अलग अलग स्पीड से अलग अलग स्पीड्स पे अचानक एक्सेलरेट करूंगा, डिसेलरेट करूंगा, अचानक मेरे को एक पर्टिकुलर जगह दिखेगी जहां पे मुझे लगेगा मेरी गाड़ी यहां से निकल जाएगी, वो सब करूंगा. अब जैसे अब स्पोर्ट्स मोड करा, स्पोर्ट्स मोड का फायदा सिर्फ ये है कि आपका इनिशियल लैग कम हो जाता है और आपका थ्रॉटल रिस्पॉन्स बढ़िया हो जाता है. दैट इज वॉट इट इज ऑल अबाउट एंड दैट इज वॉट मैटर्स इन द 530D. बिकॉज 520D में अगर मैं यही स्पोर्ट्स मोड करता तो बहुत ज्यादा शोर होता, बहुत ज्यादा रेव करता, तो ये सारे टेम्पररी नंबर के एनफील्ड्स क्यों हैं. बट चलो दैट्स गुड थिंग. अब वापस आई एम बैक ऑन नॉर्मल. तो स्पोर्ट्स मोड मैं अभी भी गियर वाले डालता हूँ. इन्होंने अब गिमी की बना दी है ये कि यहाँ से बटन से स्पोर्ट्स करो, सॉरी ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ पे बटन से स्पोर्ट्स करो तो ये रेड हो जाता है. इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल का कोई चक्कर नहीं है. अगर आप इसको स्पोर्ट प्लस करो, एक सेकंड, स्पोर्ट प्लस करो तो भी ट्रैक्शन कंट्रोल लिमिटेड हो जाता है. इसमें थोड़ी थोड़ी ड्रिफ्ट आप मार सकते हो और फिर भी रेड रहता है. बट कीप इट ऑन नॉर्मल. जब भी आपको अचानक वो चाहिए तो इमिडिएटली गियर लेफ्ट करा. दिस इज द ट्रेडिशनल वे ऑफ पुटिंग द कार इन टू स्पोर्ट्स मोड और आपको लैग फ्री एफर्टलेस थ्रॉटल रिस्पॉन्स मिलता है. सो दैट इज अ बिग थिंग. बट इन नॉर्मल ड्राइविंग भी, जैसे मैं 120 पे हूँ, नॉर्मल ड्राइविंग भी बिगर इंजन की बात है कि वो एफर्टलेसली 120 पे. लॉट ऑफ पीपल से यार कि बड़े इंजन छोटे इंजन का क्या फर्क है और वो भी तो उतनी स्पीड पे जाती है. फर्क सिर्फ इतना है कि एक एफर्ट और एफर्टलेस की बात आती है. आप एफर्टलेसली 100, 120, 140 पे हो और आपका इंजन एफर्ट के साथ 120, 140 पे, वो डिफरेंस है. तो यू कैन स्मूथली क्रूज एट अ हायर स्पीड एंड देन स्मूथली गेट अ पिकअप एट दैट हायर. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 120 पे और मुझे अचानक 160 जाना है, तो मेरी Q5 3 लीटर क्वार्टर थी मेरे पास जिसमें मैं सारे मजे लेता था. पोर्शा थोड़ी हैवी है स्टेज वन के बाद, अब जाके उसमें ये मजे दोबारा आने लगे हैं. तो उसमें भी क्या था कि मैं 140 पे जा रहा होता था और वो क्वार्टर थी. दैट्स व्हाई आई रियली लव्ड ड्राइविंग दैट फास्ट एंड बिकॉज बहुत एफर्टली ड्राइव होती थी. तो 140 पे जा रहा था और अचानक मैं थ्रॉटल और प्रेस करता था, वो 200 लग जाती थी इमीडिएटली, लाइक वेरी फास्ट, वेरी एफर्टलेसली वेरी फास्ट. तो आप 100 के ऊपर, जब आप ऑलरेडी 100 के ऊपर वाले बैंड में हैं, उसमें आपको इमीडिएट पिकअप कितनी मिल रही है, क्या हो रहा है, वो आपको एक 3 लीटर इंजन नहीं दे सकता, वो 2 लीटर इंजन नहीं दे सकता. सो 100 तक आपको 2 लीटर इंजन भी बहुत सारी पावर दे देगा इंडिकेटर में. अगर ये एक कितनी, मतलब इस सुपर रिफाइंड टॉर्क सर्ज है जो 520D या 2 लीटर इंजन में नहीं आएगी. ये है, बट आप उसको भी ट्यून कर सकते हो. तो मैंने एक बार गाड़ी अपनी ट्यून करा ली तो मेरे को हर इंजन के डिफरेंट वेरिएशंस बिकॉज ऑफ दैट ट्यून समझ आने लग गए हैं. तो मुझे अब मैं हर एक इंजन को जस्ट जैसा वो है वैसे नहीं जज कर रहा. आई एम ऑल्सो सीइंग द पॉसिबिलिटी कि अच्छा कि अभी ऐसा बट ट्यून करके ऐसा हो जाएगा. दैट्स ऑल्सो बिग थिंग. बट इवन देन दैट्स गेटिंग मोर पावर फ्रॉम अ सिमिलर डिस्प्लेसमेंट इंजन. बट जो बड़े इंजन की रिफाइनमेंट है, एक वो स्मूथनेस वाली टॉर्क सर्ज है, वो आपको बड़े इंजन में मिलती है. एंड दैट इज ऑफ 530 ऑल अबाउट. बट अब स्टेज वन करा के लोग इसको बर्न आउट मारते हैं या लोग ड्रिफ्ट करते हैं, वो सब करते हैं. तो मैं आपको एक थोड़ी सी बात बताने वाला हूँ. सो दिस इज प्रीटी एक्सपेंसिव कार. अनदर 530 M Sport दैट वी हैव इन दिल्ली राइट नाउ, 44,000 ड्रिवन, दैट इज प्रीटी एक्सपेंसिव कार. देन द थर्ड कार इज अ 520 M Sport. सो दैट इज नॉट दैट एक्सपेंसिव बट स्टिल एक्सपेंसिव. बट द पॉइंट इज कि मैं आज से एक साल पहले, आई थिंक यूट्यूब पर अभी भी वो वीडियो है, मैं रात को 12 बजे गाड़ी देखने गया था. 530 M Sport थी और मुझे इतनी जबरदस्त प्राइस में मिल रही थी, मुझे बाद में पता लगा कि उनका कितना प्रीमियम है. तो मैंने आई डाउटेड माय कैपेबिलिटी बिकॉज मेरी हंटिंग अच्छी है. बट देन वो इतने अच्छा प्राइस था, मैं उस पर और भी लेस कर रहा था, तो मुझे बाद में पता लगा कि मैंने क्या खो दिया और मैंने बहुत अच्छी डील खो दी थी उस टाइम. एनी हाउ, बट द पॉइंट इज कि उस कार में ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करके थोड़ी सी ड्रिफ्ट करने की ट्राई करी और गाड़ी पूरी 180 डिग्री घूम गई. तो तब से मुझे 530D पे ड्रिफ्ट करने में डर लगता है. ऑब्वियसली ये कार किसी और की है, कस्टमर की, तो इस पर पंगा नहीं लूंगा मैं. बट द पॉइंट इज कि दिस इज अ वेरी 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 पावरफुल कार और द टॉर्क दैट गोस टू द रियर व्यू इज वेरी हाई. और ये स्टेज वन ट्यून होने के बाद तो और ज्यादा ही ओवर बैलिस्टिक हो जाएगी. बट द होल पॉइंट इज कि अगर आपको इस कार के मजे लेने हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि आपकी गाड़ी गर्म हो, आपके टायर गर्म हो एंड ग्रिप का ख्याल बहुत ज्यादा रखना, वो बहुत जरूरी है. सो आई एम ऑलरेडी एट 140, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर आप वो नहीं करोगे तो देन इट कैन बी अ वेरी रिस्की अफेयर. अब यही जो कॉर्नर कार्विंग है, ये एक्चुअली आप एक अलग ही फीडबैक से कर रहे हो. एंड देन
then as I told that for a BMW you need complete attention. It's not like कि बहुत effortless और वो है because इसके steering सबकी गाड़ियों की सारी BMW उसके बहुत heavy हैं. Highway पे जाके बड़े मजेदार हो जाते हैं but शहर में चलाने में बहुत ज़्यादा effort वाला लगता है. अब 100 पे भी थोड़े से throttle press पे ही, एक तो यार मेरी पता नहीं क्या problem है, लोग जो मर्जी कहें मेरे को ना पूरा throttle press करना अच्छा नहीं लगता. Maybe that's because of my middle class habits की आपको लगता है कि तेल ज़्यादा पिएगी गाड़ी. हंड्रेड पे भी थोड़ा प्रेस करने में यू गेट सच अ बिग टॉक सर एंड दैट्स व्हाट मेक्स 530D या 530D. नो साउंड इन द इंजन, अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेन वाइन दैट ओनली आई कैन लिसन. आई डोंट थिंक कि GoPro में वो आ रहा होगा. वी आर फाइनली गेटिंग ऑन द एक्सप्रेसवे. अब यार मेन पंगा इंडिया की ना रोड्स का है यार. आप अगर एक कार को आप ना, बहुत सारे लोग मैं अभी भी देखता हूँ यार साले 200 की स्पीड पर टच करने की वीडियोस बनाते रहते हैं, मतलब दैट्स द मोस्ट इमैच्योर थिंग एवर. प्लीज एंजॉय द कार विदाउट द टॉप स्पीड मेहम. उसका कोई पॉइंट नहीं है. टॉप स्पीड पे कोई भी गाड़ी लग जाएगी यार. मतलब आप अब जैसे दिस ट्यून दैट आई एम ट्राइंग टू गेट डन फॉर द क्लाइंट, तो वो कह रहे हैं यार कि उस पर 250 की लिमिटेड है, वो हट जाएगा, लिमिटर हट जाएगा. बट द पॉइंट ऑफ द स्पीड पर क्यों जाना है आपको? गाड़ी का मजा उसकी टॉर्क सर्ज में आता है, द वे इट फील्स उसमें आता है. आप टॉप स्पीड पे जाके जब आप गाड़ी को एक हायर स्पीड पे लेके जाते हो तब आपका, आपकी कार का, आपके टायर्स का तो एक फैक्टर आता ही आता है. आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए बहुत वल्नरेबल हो जाते हो. मतलब आप अपनी जान वो रोड जिसने बनाई है उस कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में दे देते हो, जितनी करप्शन हुई है उनके हाथ में दे देते हो, जो और लोग आसपास चला रहे हैं उनके हाथ में दे देते हो. मैं नहीं कह रहा कि दूसरों का ख्याल रखो, मैं कह रहा हूँ अपना ख्याल रखो यार. और मैं आपको बता रहा हूँ नो मैटर हाउ सेफ दीज ऑल कार्स आर, आई सीन प्रीटी बैड एक्सीडेंट्स हैपनिंग. एंड सबसे बड़ी बात आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ, आज इंडिया में बिकॉज ऑफ कॉस्ट एफिशिएंसी बीइंग सो हाई एंड बिकॉज ऑफ करप्शन ऑल्सो, करप्शन उतनी नहीं है बाकी देशों में और भी ज्यादा है, करप्शन को मैं इतना नहीं बोलूंगा, कॉस्ट एफिशिएंसी बीइंग सो हाई, पीपल आर नॉट गोइंग टू डिलीवर यू मोर देन व्हाट दे हैव ऑलरेडी प्रॉमिस्ड. सो आई एम टेलिंग यू, अगर एक एक्सप्रेस वे की स्पीड लिमिट 120 है या 100 है, आपको अगर लग रहा है कि 100 से ऊपर भी मैं इसको चला लूंगा क्योंकि खाली है और नया बना है, तो मैं बता रहा हूँ आपको इमीडिएटली बम्प्स फील होने शुरू हो जाएंगे. और बम्प्स की प्रॉब्लम क्या है, जैसे जैसे गाड़ी बम्प्स पे ऊपर नीचे होती है उसकी गाड़ी की ट्रैक्शन चेंज होती रहती है. और आप अगर थोड़ा रैश चला रहे हो ऐसी रोड पे, द मोमेंट आपकी गाड़ी बम्प ऊपर नीचे होती है आपकी गाड़ी इमीडिएटली डिस्टेबलाइज हो सकती है एंड देन यू कैन लीड टू फेटल क्रैश विच आई डोंट वॉन्ट एवर कोई भी उसमें जाए बिकॉज वी नीड टू कंटिन्यू हैविंग फन इन दीज कार्स. सो इफ अ क्रैश हैपन्स यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय द कार लेटर ऑन. सो ऑल दीज यंग पीपल जो मेरे को कहते हैं नहीं नहीं ऐसे वैसे, मैं भी ऐसी बातें करता था छोटे होते, बट मुझे जितना ज्यादा गाड़ियों से प्यार है, जितनी ज्यादा देर तक उनको चलाना चाहते हो, तो आप उतनी ज्यादा अपनी लाइफ का ख्याल रखो ताकि ज्यादा एंजॉय कर पाओ. अब अगर मैं आपको पहली टच उठ कुछ हो गया, कभी कोई चोट लग गई, तो मैं कैसे लाइफ लॉन्ग एंजॉय कर पाऊंगा, ये सोचा करो. अपने प्यार के खातिर ही अपना ख्याल रखा करो, बड़ा जरूरी है वो. जैसे अभी यहाँ पे 60 लिखा है नो डाउट, बट आई नो दैट दिस एक्सप्रेस वे अब वो कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये 120 के हिसाब से बिल्ट है. तो अगर 120 से ऊपर मैं जाता हूँ देन इट्स वेरी रिस्की एंड नो वन इज अकाउंटेबल कि यार की 120 के ऊपर सड़क खराब क्यों है, कि सड़क पे झटके क्यों आ रहे हैं, सड़क पे खड्डे क्यों हैं, सड़क पर क्या फील हो रहा है. बिकॉज उतने तक ही उनका दिमाग है कि यार की अगर इसकी स्पीड लिमिट कल को 100-120 होने वाली है तो कॉन्ट्रैक्टर करता बटा उतना ही करो, जरूरत से ज्यादा इसको प्लेन करने की जरूरत नहीं है. बिल्कुल लेटेस्ट एक्सप्रेस वे हैं कुछ जिनमें बहुत ज्यादा क्लोज है, वहां पर जाके थोड़ा सेट है, वहां पर आप फिर भी 130, 140, 150 पे क्रूज करना चाहते करो. बट आई एम टेलिंग यू यार कि आप जो 140-150 पे आपकी गाड़ी क्रूज कर पा रही है, वो रोड और आपकी गाड़ी का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो गाड़ी को 200 पे टच करते हो वीडियो बनाने का फायदा नहीं है, वो मजा भी नहीं आएगा. सो आई एम 120-130. अब मैं 130 पे हूँ, एक सेकंड अभी पुश कर रहा हूँ, तो भी देखो 140 पे भी ये गाड़ी ना 2000 से नीचे आ रही है. अच्छा मैंने दिखा दिया ना, 120-130 पे भी आप पेडल डाउन पेडल प्रेस करते हो तो यू गेट दैट इमीडिएट टॉर्क सर्ज. एंड हाईवे का यही है, तो बड़े इंजन को मैं भी इसलिए लाइक करता हूँ बिकॉज हाईवे पे आजकल सारे 100-120 पे हैं, तो आप छोटी गाड़ी में या छोटे इंजन में तो ऑब्वियसली आप ओवरटेक करोगे तो फास्ट करोगे, बट 100-120 के बाद वाले जो ओवरटेक्स है ना, उनका फन आपको 3 लीटर में आएगा, वो 2 लीटर में नहीं आएगा. एंड दैट इज वेयर द डिफरेंस लाइज, एंड स्पेशली अगर आपकी हाईवे ड्राइविंग बहुत अच्छे से मेरी. अब जैसे गाड़ी पे जंप पड़ी, आई डोंट नो उसमें लाइट आई नहीं आई, बट इमीडिएट अब जैसे मेरे को पीछे मैं 120-130 पे था तो फॉर अ सेकेंड आई लॉस्ट ट्रैक्शन. तो अगर मेरी गाड़ी टेढ़ी होती है कुछ और होता तो इमीडिएटली मैं आके घूम जाता. सो दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग कि सड़क का ख्याल रखना बड़ा जरूरी है और स्पीड उसके हिसाब से होनी बड़ी जरूरी है बिकॉज कोई इनका दीनवान नहीं है भाई.
क्या सामान यूज करा सड़क में, क्या करा है, कुछ नहीं, कुछ नहीं पता भाई. नो वन इज अकाउंटेबल, नो वन इज रिस्पॉन्सिबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन लाइफ. एंड देन आई लव दिस डिजाइन, ये बड़ा सा एलियन लगता है. कितनी जंप है, अभी मैं 120 में तो भी गाड़ी ऐसे चल रही है.